खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं सड़क पर खड़े वाहनों के कारण होती हैं। कई बार वाहन खराब हो जाते हैं और वो सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं, और रात के अंधेरे में इन खराब सड़क पर खड़े वाहनों में अगर पीछे लाइटें नहीं जल रही होती हैं तो पीछे से आ रहे वाहन चालक को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता है और सड़क दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग आगे आए हैं और ऐसे ही वाशिम में सर्वधर्म मित्र मंडल ने एक बीड़ा उठाया है ऐसे खराब खड़े वाहनों पर रेडियम पट्टियां चिपकाने का, और ये लोग लगातार काफ़ी समय से रेडियम पट्टियां लगा रहे हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी भी आई है। किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं और क्या है इनका मोटिव, आइए देखते हैं। मिलिए वाशिम जिले के कारंजा के सर्वधर्म मित्र मंडल के स्वयंसेवियों से, जो पिछले कई वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए सांस कंट्रोल रूम कारंजा से वन सेकंड वन कॉल सेव लाइफ अभियान चला रहे हैं। और इसी पहल के तहत सर्वधर्म मित्र मंडल के दोस्तों ने वाहनों में रेडियम लगाने की अभिनव पहल की है, और वे दुर्घटनाओं से बचने के लिए हर वाहन मालिक से अपने वाहन के पीछे रेडियम लगाने की अपील कर रहे हैं। कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं कि जो एखादे वाहन के पीछे लाइट अंदर दिखने की वजह से एक वाहन उसको भिड़ जाता है, फिर इसमें क्या कर सकते हैं? तो हमने एक मुहिम लगाई जो रेडियम लगाओ मुहिम। हाँ, हम चलते फिरते, हमारी संस्था के स्वयंसेवक, हम वाशिम जिला जो महाराष्ट्र में आता है उसके कारंजलाड़ ब्लॉक में, जहाँ पर भी हमें एक आधा वाहन दिखता है जिसके पीछे से कहाँ रेडियम नहीं है, लाइट नहीं है, तो उसको हम रेडियम लगाते हैं। हाँ, वन सेकंड वन कॉल न्यू लाइफ अभियान, इसी धरती पे हम पिछले 16 सालों से रोड सेफ्टी में काम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ बुवाई का मौसम है और बहुत सारे ट्रैक्टर बुवाई मशीनों के साथ जुड़े होते हैं, रात में कृषि उपकरणों के साथ इन वाहनों को सड़क पर खड़ा करने के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन यदि वाहनों के पीछे रेडियम लगा दिया जाए तो रात के समय बंद वाहन भी पीछे से आ रहे वाहन मालिक को नजर आ जाएगा। इसलिए सर्वधर्म मित्र मंडल की ओर से न केवल शहर की सड़कों पर बल्कि सीधे कृषि तटबंधों पर जाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर रेडियम लगाया जा रहा है। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के लिए वाहनों को पीछे से रेडियम लगाने का काम शुरू है। ये काम निश्चित तरह से कौतुकास्पद है, और ये जो काम कर रहे हैं ये काम की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट का प्रमाण निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेफ स्टॉप स्टॉप एक्सीडेंट्स, सुरक्षित रोकें दुर्घटनाएं रोकें, इस अभियान की अवधारणा है। और पिछले कुछ दिनों में जिले में 250 से अधिक वाहनों में रेडियम बैंड लगाए गए हैं। इस पहल से क्षेत्र के लोग भी काफी खुश हैं। वाहन स्वामियों ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि इस अभिनव प्रयोग से बढ़ती दुर्घटनाओं पर अवश्य अंकुश लगेगा। गांव में घूमते समय जो भी वाहन दिखता है उसको रोक के उसके पीछे से रेडियम लगा देते हैं, और उनका ये रेडियम लगाने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी वाहन के पीछे की लाइट बंद हो जाती है, इसकी वजह से उसके पीछे से आने वाला जो वाहन है डायरेक्ट उसको भिड़ जाता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही एक्सीडेंट रोकने के लिए जो सांस कंट्रोल रूम के शाम सवाई है, इन्होंने बहुत ही अच्छा उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम रेडियम लगाओ। सर्वधर्म मित्र मंडल के स्वयंसेवी इस अभिनव पहल के लिए प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि यदि छोटे छोटे प्रयास किए जाएं तो असमय होने वाली कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वाशिम महाराष्ट्र से रामदास धनगर और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निश्चित ही ये रेडियम पट्टियां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होंगी। और जब बात हम सड़कों की कर रहे हैं, बात गाड़ियों की कर रहे हैं, तो चलिए बात बस की भी कर लेते हैं। आपने भी अगर बस में कभी सवारी की होगी तो कुछ यादगार अनुभव, खूबसूरत पल आपके भी होंगे, जैसे कि बच्चों के रोने की आवाज़ें, लोगों के आपस में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत, और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन आज हम आपको बस की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर बस के ड्राइवर कंडक्टर ने अपने इस काम को
सेवा का जरिया बना लिया है। किस प्रकार बस भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि अगर हर कार्य में सेवा का भाव पिरोया जाए तो काम हमारी यादों और दिल में बस जाता है। ये है धार्मिक आस्था, देशभक्ति और परिवार भावना के साथ नाडियाड से सारंगपुर जा रही एसटी बस, जहां श्रद्धा और समरसता के साथ सेवा का भी समन्वय देखने को मिलता है। स्टेशन से स्टेशन का अनाउंसमेंट होता है। अगर कोई बुजुर्ग हो तो वापसी से पहले उनके घर के लोगों को कंडक्टर फोन करके समय स्थान सूचित करते हैं। जब तक उनके घर का कोई नहीं आए उनको अकेला नहीं छोड़ते। इतनी सारी सुविधा के साथ ही सीजन के हिसाब से शरबत, नींबू पानी, उकाला वितरण और उसके साथ कभी अल्पाहार भी दिया जाता है, वो भी जन भागीदारी से। पिछले 7 सालों से सुबह 7 बजे निकलती इस बस में मुसाफिर चढ़ते समय एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन उतरते वक्त इतने गहरे बंधन से बंध जाते हैं कि गले मिलकर जल्दी वापस मिलने की कामना करते हैं। ये बस राष्ट्रगान के बाद ही अपनी सवारी पर निकलती है और पूरे सफर में हंसते खेलते भक्ति के रंग में डूबकर सभी यात्री अपनी सवारी करते हैं। इन भावनाओं का मुख्य आधार है बस के ड्राइवर और बस के कंडक्टर संदीप भाई बारोट। त्रिवेणी त्रिपुट संगम यानी सुभा 7 बजे निकले तब राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्रगान होता है, उसके बाद ईश्वर का जयकारा, उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण बस में ही होता है। बस में पूरा दिन भक्तिमय वातावरण बना रहे, इसी के लिए भजन कीर्तन धुन चलाई जाती है जिससे सबको लगे कि हम बस में नहीं बल्कि प्रभु के रथ में बैठे हैं। बस में चढ़ते उतरते लोगों की सेवा में अपने खर्चे से उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करना, साथ ही साथ सबको सद्भावना के साथ रखना इस बस की खासियत है। लोग इस बस की सवारी में घंटों इंतजार करना भी पसंद करते हैं। जब बस में बैठे तब मैंने सबको पूछा, घर की याद आई क्या? सबने एक ही बात कही, पता ही नहीं चला यात्रा कैसे पूरी हो गई। सही में इस बस का पारिवारिक वातावरण बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी संदीप भाई का व्यवहार तो इतना अच्छा है कि सबके साथ बोलना, हंसते रहना, पूछना, सबको ख्याल रखना, ऐसा लगता है कि बार बार इस बस में जाते रहे। पूरे एसटी निगम के लिए गौरव की बात। जितने भी बस कंडक्टर ड्राइवर हैं, अगर वो सब ऐसी पहल करें तो सही में एसटी निगम का गौरव बढ़े और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा लगता है कि हर बार इस बस में सागरपुर जाते हैं और लोगों को भी ले जाते हैं। स्वच्छ, सलामत और समय अनुसार, इस स्लोगन को तो ये बस चरित्रार्थ करती ही है, लेकिन साथ में मानवता की ज्योत भी ऐसे जलाती है के सही मायनों में धर्म यात्रा का हेतु सिद्ध होते हुए नजर आता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नाडियाड से कल्पेश तलादी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब आपका काम ही आपका शौक बन जाए और काम ही आपको ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाए तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाएंगे छत्तीसगढ़ के बालोद के रहने वाले एक प्रकृति प्रेमी वीरेंद्र सिंह से, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले एक बंजर पड़ी जमीन पर 250 पौधों का रोपण किया था। और देखिए अब वो जगह जो है एक घने जंगल के रूप में विकसित हो चुकी है। वो ना केवल खुद पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि औरों को भी जागरूक बना रहे हैं। और तो और अब उनके साथ एक पूरी टीम खड़ी हो चुकी है। किस प्रकार ये प्रयास हो रहे हैं, आइए जानते हैं। मिलिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा में रहने वाले प्रकृति प्रेमी स्कूली बच्चों से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है पर्यावरण के संरक्षण का। इन्हें साथ मिला है दल्ली राजहरा के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने आज से करीब 20 साल पहले बंजर जमीन पर करंज के 250 पौधों का रोपण किया था, जो आज एक जंगल में तब्दील हो गए हैं। ये छात्र छात्राएं न केवल पौधे रोपित कर उनकी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। पौधे के रोपण के बाद इन सभी वृक्षों का नामकरण भी होता है। क्षेत्र के युवा और महिलाएं भी इस पुनीत कार्य में अब उनका साथ देने लगे हैं। पौधारोपण के लिए रोजाना नए प्रयोग हो रहे हैं। ये युवा गुलेल के माध्यम से वनांचल क्षेत्र में जाकर पौधे के बीजों का छिड़काव करते देखे जा सकते हैं। इसके लिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से फलदार पौधों के बीजों को एकत्रित करते हैं, और फिर वनांचल क्षेत्र में जाकर खाली जगहों पर गुलेल से उसका छिड़काव करते हैं। दरअसल पेड़ों के कटने की वजह से इस क्षेत्र के जंगल साफ होते जा रहे थे, जिसके संरक्षण का बीड़ा इन्होंने उठाया है। ये हमारा लेबर एरिया है। आज से 25 साल पहले बहुत आसपास हरे हरे भरे पेड़ पौधे थे, लोग काटते थे। उस समय गैस सिलेंडर गैस नहीं उपयोग ना के बराबर होता था, तो मन में ख्याल आया चलो मुझे पौधा लगाना चाहिए, हरियाली लाना चाहिए। तभी मैं शुरुआत कर दिया इस बंजर भूमि पे। कम से कम 250 पौधा रोपित किया था, और ये पौधा करंज के हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसमें रोपित किया था, और उनका नाम दिया था शिवांश, प्रकृति, पुन्नू, चेतन, बिट्टू, बहुत सारे नाम मिलेंगे। 250 नाम है इन पौधे को, बहुत खुशी मिलता है। इस क्षेत्र के युवाओं की माने तो हर साल जगह देख कर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को बढ़ते तापमान के खतरे से बचाया जा सके। प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सभी मिलकर, जो हमारा ग्रुप है, वो सब मिलकर वीरेंद्र भैया के साथ हम लोग जहाँ हम कुछ खाली जगह मिले, हम हर साल पौधारोपण करते हैं। और अभी एक धोबेदंड बिटाल मार्ग पर नया रोड बना है, उस रोड पर एक भी वृक्ष नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। लगभग अभी 13 पौधे हमारे जीवित हैं, पीपल और बरगद के हमने लगाया है। वहाँ विभिन्न गांवों में जाकर के वृक्षारोपण, जड़ रोपण आदि का कार्य करते हैं, और इसके तहत गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है और तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वृक्ष लगाना चाहिए हमें, चाहे वो माँ के नाम पे हो, पिता के नाम पे हो, किसी के नाम पे वृक्ष लगाना चाहिए। हम लोगों को प्रेरित करते हैं, और इसी के साथ हम बहुत सारे जो लोग मिले हमारे साथ उनके वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। प्रकृति के संरक्षण की दिशा में किया जा रहा ये काम जाहिर तौर पर दूसरे लोगों के लिए
नजीर पेश कर रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बालोद से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट, डीजी न्यूज। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ और आपको मिलवाते हैं कुछ खास लोगों से। खास इसलिए क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं बहुत खास। ये लोग मानव मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग हैं मानव उपकार संस्था से जुड़े हुए और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। अब तक 6,000 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग लोगों के सेंटीमेंट्स का खास तौर पर ख्याल रखते हैं और उसके लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। पूरे विधि विधान से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करते ये लोग किसी देवदूत से कम नहीं। तभी तो जिनका कोई नहीं उनके अपने बनकर हाजिर हैं ये लोग। ये सभी अलीगढ़ की गैर सरकारी संगठन मानव उपकार संस्था से जुड़े हुए हैं और मानव मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं। इस संस्था के लोगों द्वारा अब तक 6,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है और उनके परिजन विदेश में हो तो उनके शरीर को फ्रीज करके रखने के लिए शव अवशीतल यंत्र भी ये संस्था उपलब्ध कराती है, जिससे उनके परिजनों को अंतिम दर्शन हो सके। वर्ष 1999 से मानवकार संस्था का गठन किया गया, जिसका कि मकसद था कि लोगों की मदद करना और जिसके सिद्धांत के तहत समाज सेवा कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हमारा, तथा जीवन के साथ ही मृत्यु के बाद भी, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू होते हैं कि जो इंसान की जरूरत के काम आते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ लोगों के पास बेशक समय नहीं है, लेकिन मानव का संस्था उन लोगों की मदद कर रही है जो कि जिनको की आवश्यकता पड़ती है। जिस श्रृंखला में हम लोगों ने जहाँ उन कठिन सेवा कार्यों को अपनाया जिनको आम लोग करने से भी मुंह मोड़ते हैं। जो मानव उपकार संस्था है इसमें करीब 1,000 से ज्यादा मानव सेवक सदस्य जुड़े हुए हैं और विगत 25 वर्षों से संस्था अनवरत प्रतिदिन सेवा कार्यों में जुटी रहती है। और मुख्य बात यह है कि संस्था का जो मेन कार्य है जो नियमित रूप से चलता है, हालांकि ये बड़ा एक विषम परिस्थिति है कि संस्था ही इस तरह के कार्य को करती आ रही है। अब तक लगभग 6,000 लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार मानवकार संस्था हमारी जो है उनका अंतिम संस्कार कर चुकी है। प्रकृति की सेवा का जज्बा लिए ये स्वयंसेवी बिना किसी स्वार्थ के नित सेवा कार्य में जुटे रहते हैं। ये लोग जरूरतमंद लोगों को, चाहे वे स्टूडेंट्स के पठन पाठन की व्यवस्था हो, विधवा महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए जरूरी सामान मुहैया कराना, इसके साथ ही संस्था द्वारा अन्नपूर्णा थाली भी शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाई जा रही है, जिससे कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि कला अभिव्यक्ति का बहुत ही सशक्त माध्यम होती है, तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं कलाकार गोपीनाथ मुथुकड़ से, जिनका
काम है कला के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाना और उसके प्रति लोगों को जागरूक बनाना। जी हाँ, वो जादूगर हैं और अपनी जादू के माध्यम से तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे समाज में परिवर्तन आए। उन्होंने शांति, सद्भावना, बाल श्रम जैसे तमाम मुद्दे उठाए हैं और लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाया है। देखा कि दिव्यांग अपने दैनिक जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके परिवारजन उन्हें सहारा देने के लिए किन किन संघर्षों से गुजरते हैं। इस बात ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक जादूगर के रूप में अपने कौशल का उपयोग करने के लिए वे अपने मंच का उपयोग करते हैं। इसके लिए उन्होंने दिव्यांगों के उत्थान के लिए डिफरेंट आर्ट सेंटर की शुरुआत की। अंडर द बैनर ऑफ डिफरेंट आर्ट सेंटर, हम मानते हैं कि दिव्यांगजन की क्षमता को सामने लाने की जरूरत है, तो वहीं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की भी जरूरत है। हमारे डिफरेंट आर्ट सेंटर दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए एक मंच है। हमारी कोशिश दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने की है, जिनमें अलग अलग क्षमताएं हैं। यहाँ बच्चों को संगीत, नृत्य, पेंटिंग और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। गोपीनाथ मुथकर ने दिव्यांग बच्चों की कलात्मक प्रतिभाओं को तलाशने और दिव्यांगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार के केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन के संयुक्त समर्थन से DAC की स्थापना की थी। तो देखा आपने, सेवा के अनेक माध्यम हैं, सेवा के अनेक रूप हैं, बस ज़रूरत है एक जज्बे की। और हमारे देश के लोगों में ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की सेवा के जज्बे के साथ आगे आ रहे हैं और देखिए समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में कितने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।